पागवाड़ा अंतर्गत ग्राम लोधीपुर राजपूत में रहने वाले मोहम्मद असलम पुत्र शराफत अली द्वारा जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि उसका विवाद दिल्ली रोड स्थित पागवाड़ा एक यूनिवर्सिटी के मालिक से चल रहा है, क्योंकि मोहम्मद असलम द्वारा अपनी माँ की जमीन बेची गई थी, परंतु मुजाहिद पुत्र भोलू तथा कुशल पाल पुत्र सतपाल ने साठ गांठ तथा धोखाधड़ी करके मोहम्मद असलम के पिताजी के हिस्से की भी जमीन लिखवा ली। उपरोक्त के संबंध में एक बार न्यायालय तहसीलदार मुरादाबाद न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में मोहम्मद असलम को फंसाने की पूरी पूरी कोशिश में है। इस संबंध में झूठा मुकदमा थाना मंझोला में सरकार बनाम इस्लाम मोहम्मद आदि विभिन्न धाराओं में दर्ज करा दिया गया तथा उक्त लोग तरह तरह से मोहम्मद असलम के पीछे पड़े हुए हैं। इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही करने के लिए मोहम्मद असलम द्वारा जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और न्याय दिलाने की बात कही गई है। इस बारे में जब मोहम्मद असलम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद असलम नाम है। असलम जी, आज एसएसपी कार्यालय आए, क्यों आए? सर ऐसा है, मैं अपनी माता की जमीन आईएफएम यूनिवर्सिटी वालों को, अभिनव कोटीवाल को, जाहिर व कुशलपाल के माध्यम से बेची थी 1 करोड़ 2 लाख रुपए की। और उन्होंने मेरा नायाब फ़ायदा उठाया कम मिला होने के, और उन्होंने मेरे पिताजी की ज़मीन भी लिखवा ली, जिसकी मैंने तहसील नगर सदर में इसमें आपत्ति दर्ज करी है, विचाराधीन मुकदमा चल गया है। वो मेरे पर दबाव बनाने के तहत नए से नए मुकदमे मेरे पर डाल रहे हैं। और दिनांक कितनी ज़मीन होगी? लगभग 4.25 बीघे ज़मीन हड़पने के चक्कर में है। कितने समय बीत गया इस बात को? इस बात को 2-2.5 महीने सह रहे हैं। हर जगह मैंने जो है प्रार्थना पत्र दिया है, कप्तान साहब के यहाँ भी दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया था। और वो लोग जो है आईएफटीएम यूनिवर्सिटी से बात हुई आपकी? आईएफटीएम यूनिवर्सिटी जो केपी सिंह है और मुजाहिद है, वो कह रहे हैं या तो फैसला कर ले, नहीं तो ये मरवा देंगे या फिर हम गायब करवा देंगे। इस बात का फैसले की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 4.25 बीघे ज़मीन के 2 करोड़ रुपये ले ले और हमें फैसला दे दे। ज़मीन मेरी 4 करोड़ रुपये की है। अच्छा, वो कब में फैसला करना चाह रहा है? जी, तो इस बात की शिकायत उच्च अधिकारी से की थी आपने? जी, मैंने की थी, पागवाड़ थाने में भी दिया है, कप्तान साहब के यहाँ भी दे दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दे दिया। क्या आश्वासन मिला अधिकारियों की तरफ से? जी, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या, वो कार्रवाई की जा रही है, बस यही बता रही, जाँच की जा रही है। क्या चाहते हैं आप? अरे चाहते क्या है साहब, इंसाफ मिले। आज कौन से अधिकारी के पास आए थे आप? मैं SSP बबलू कुमार थे ना, उन्हें दी थी मैंने। आज कप्तान साहब को दिए? कप्तान साहब के यहाँ भी देकर आया हूँ, मगर वो मिले नहीं है, मगर मैं प्रार्थना पत्र देकर आया हूँ। क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं चाहता हूँ कि साहब जो कुशल पाल वो मुजाहिद जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं जमीन हड़पने के मारे, उन्हें तुरंत बंद किया जाए, जेल में कार्रवाई की जाए। और वो अधिक पैसे वाले